न्यूज़ इंडिया पर आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम कवर कर रहे हैं कि पहले चरण में जो 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है। और बिल्कुल इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है मेरठ के सरधरा से, जहां पर मतदान करने जा रहे दलितों को दबंगों ने रोक लिया है। विरोध करने पर जमकर मारपिटाई की। मारपिटाई में प्रदीप जाटव घायल हुआ है। सरधना के सरावा गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी कि कोई दंगा हो रहा हो या मारपिटाई हुई हो, लेकिन अब मेरठ के सरधरा से बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां पर मतदान कर रहे थे कुछ दलित जो है उन्हें दबंगों ने रोक लिया, और जब उन्होंने विरोध किया तो जमकर मारपिटाई हुई है। मारपिटाई में एक युवा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सरधना के सरावा गांव का ये पूरा मामला है। जैसा कि लगातार हम सुबह से चुनावी कवरेज पर बने हुए हैं और मैं और मेरे सहयोगी काविंद्र लगातार बता रहे हैं कि मेरठ एक संवेदनशील पूरा क्षेत्र है, वहां से ऐसी खबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा था कि शांति व्यवस्था उसी प्रकार बनी रहेगी जिसके दावे और वादे किए जा रहे थे। लेकिन मेरठ के सरधना से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर मतदान करने जा रहे थे कुछ दलित जिनको दबंगों ने रोक लिया है। वो दबंग कौन है इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई है। विरोध किया गया तो विरोध में मारपिटाई हुई। मारपिटाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सरधरा के सरावा गाँव का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी जानकारी। सुबह से लेकर अब तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 35 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मेरठ के सरधरा से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर दलितों को दबंगों ने वोट डालने से रोक लिया। ये कहा जाता है बड़े बड़े भाषणों में कि मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमें करना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, लेकिन जब एक दलित वोट डालने के लिए जाता है तो उसे दबंग रोक लेते हैं, दबंगई दिखाते हैं, विरोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, जमकर मारपिटाई होती है। मारपिटाई में प्रदीप जाटव नाम का शख्स घायल बताया जा रहा है। सरधरा के सरावा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 11 जिले और 11 जिलों की 58 सीटें जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, और अब लगभग स्थिति काविंद्र साफ हो रही है क्योंकि 3 बज चुके हैं और अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जितना भी वोटिंग प्रतिशत रहा है वो अब फाइनल है। 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस बार कोई ऐसी मारपिटाई की खबर सामने आएगी क्योंकि ये दावे वादे किए जा रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। आपको बता रहे हैं कि सुबह से जब शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ चुकी है कि अब वो शांति जो है दरअसल भंग होती नजर आ रही है, क्योंकि एक दलित को रोका गया है वोट करने से और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सरधरा से आपको दिखा रहे हैं लगातार। इसके बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो हमको थोड़ी ज्यादा जानकारी मुहैया कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सरधरा के सलावा गांव की ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक दलित को वोट करने से रोका गया, इसके साथ ही दबंगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। ये अस्पताल के एक्सक्लूसिव विजुअल हैं, सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मेरठ के सरधरा से बड़ी खबर जो काजोल आपको बता रही थी कि मतदान करने जा रहे हैं दलितों को दबंगों ने रोक दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति ने जब इसका काउंटर किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। नाम बताया जा रहा है प्रदीप जाटव, जिसके साथ मारपीट की गई है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जो सुबह से जो शांति बरकरार थी उसमें दरअसल शांति भंग हो चुका है। और आपको बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया के बीच ही एक दलित के साथ मारपीट की जो खबर सामने आई उसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा हम लगातार कई सालों से सुनते जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब योगी सरकार सामने आती है, जब कर्म भूमि कहें हम वहां पर उतरती है, कर्म क्षेत्र में उतरती है, तो ये कहती है कि हम दलितों वंचितों को साथ लेकर चल रहे हैं। मतदान एक जरिया होता है जो हम किसी सरकार को सिर माथे पर बिठाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि शायद ये सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन ऐसा इन चुनावों में अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर काजोल कह सकते हैं कि प्रशासन की चूक है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो कितने प्रभावी ढंग से वो मतदान कराती है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कोई अन्य गैंग कहूं या व्यक्तियों का समूह कहूं अगर रोकता है मतदान करने से, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी है। इस बीच एक बाइट हमारे पास आई है, बाइट चलाएंगे जरा स्क्रीन पर लीजिए। ये मेरा भाई सुबह वोट डालने गया 10 बजे के आसपास, इसके साथ एक भाई और था बड़ा वाला भाई, तो इसके साथ जो है ठाकुर समाज के लोगों ने देखो लड़ाई की, ये पंच मारा और इससे आधार कार्ड छीन लिया, पर्ची छीन ली, और ये पंच मारा और इसका दांत तोड़ दिया। देखो कि वोट तुम चले जाओ, वोट हम डाल देंगे अपने आप। और फिर ये हमारे बड़े भैया हैं, देखो फिर ये गए एक करीब 1 घंटा पहले, इनके साथ देखो क्या किया, सिर फोड़ दिया,
और जो इनकी टांग तोड़ दी। विधायक के साथ में आए थे वे सारे के सारे? आधार कार्ड के लोगों के विधायक के साथ थे, संगीत सोम के साथ आए थे वे। अच्छा हाँ जी ठीक है, नहीं उसी के गुर्गे थे सारे के सारे वे। आधार कार्ड के स्लिप मांग रहे, आधार कार्ड की टू कॉपी, आधार कार्ड की टू कॉपी भी दे रहे हम। कुछ नहीं जी, वोट डालने जा रहा था और वोट डालने जाके बस मैं भूत के धोरे लोग पहुंचा था भाई, एकदम से भाई 15-20 लड़ गए, आधा साढ़े भगसड़ी के चमार के तुझे मैं गिर वोट, वो तो बजाना शुरू कर दिया। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुबह से जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन इस शांति में एक बड़ा भंग हुआ है और इस शांति के बीच बताया जा रहा है कि दलितों को वोट डालने से रोका गया और एक दलित के साथ मारपीट भी की गई है। और जिस पक्ष के साथ मारपीट की गई है उनका सीधे तौर पर आरोप है कि जब वो वोट डालने जा रहे थे तो विधायक के साथ आए गुर्गों ने उनके साथ मारपीट की गई है। नाम बताया जा रहा है संगीत सोम जी का, नाम संगीत सोम का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान जुड़ गए हमारे साथ। रेहान, सुबह से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, लगातार हर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, प्रशासन हर जगह अपने अपने हिसाब से सही तरीके से मतदान करवा रहा था, लेकिन हम यही बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जैसा कि पिछले आज से एक दशक पहले की बात कर लें, 10-15 साल पहले की बूथ कैप्चरिंग होती थी, चुनावों के दरमियान बड़ा लड़ाई झगड़ा देखा जाता था, आगजनी होती थी, बड़ा गुंडागर्दी वाला माहौल रहता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद शांति व्यवस्था बहुत व्याप्त है। लेकिन यह खबर दुर्भाग्यपूर्ण खबर है जहां पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों को मतदान करने से रोका गया और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की गई, सीधे तौर पर नाम भी बताया जा रहा है जिनके साथ मारपीट की गई है, प्रदीप जाटव उनका नाम बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो आरोप है वो संगीत सोम पर लगा है। संगीत सोम एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के और विवादित नाम भी है, क्या है पूरी अपडेट? जी अभी यहाँ पे सुंदरलाल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। जैसे उन्होंने बताया कि जब वो सुबह मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर गए तो उन्हें विधायक संगीत सोम के लोगों ने मतदान करने से रोका गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ में मारपीट की गई, मारपीट के बाद में उनको पैर में चोट आई है, सर में चोट आई है, एक जो और लोग थे उनके दांत भी टूट गए हैं, काफी गंभीर मामला ये हुआ। रोका क्यों गया था? हूटिंग का कोई मसला है? लगातार यहाँ पे फोर्स बढ़ा दी गई है। रोका क्यों गया था? हूटिंग का कोई मसला है या फिर विपक्षी दल के किसी नेता के साथ वो लोग जा रहे थे, क्या मसला था? नहीं, उनका कहना यह है कि वो किसी पक्ष में या विपक्ष के नेता के साथ में नहीं जा रहे थे, वो सीधा सीधा मतदान करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि संगीत सोम के लोगों को कि ये जो सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान है उनके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें रोका गया। और रोकने के बाद में जब उसका उनको विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ में मारपीट की। चलिए ठीक है, अतुल प्रधान की कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है सामने? रेहान जी, अतुल प्रधान की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी नहीं, अभी अतुल प्रधान का वहां पे मौके पर पहुंच रहे हैं वो, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो वहां क्या कहते हैं। है, किसी प्रशासनिक अधिकारी की लगातार ठीक है, किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई कमेंट आपने लिया कोशिश की, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? रेहान जी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने कमेंट लेने की कोशिश की, किसी निर्वाचन अधिकारी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? जी, प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बात हुई है, लगातार मौके पर फोर्स बढ़ा दी गई है और जिले के कप्तान एसएसपी इस पर संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, संगीत सोम जी की तरफ से अभी तक कुछ भी कहा गया संगीत सोम की तरफ से? क्योंकि आरोप उन पर बहुत गंभीर लग रहा है, बहुत गंभीर आरोप है, इसको समझिए, आरोप बहुत गंभीर है। ये खबर जैसे जैसे ज्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये खबर जो एक व्यापक रूप लेती जाएगी। ठीक है, इस खबर को आप इसके बहुत सारे एंगल्स से देख सकते हैं। तो इस पर संगीत सोम पर क्योंकि सीधे डायरेक्ट आरोप है नाम के साथ, तो संगीत सोम ने अभी तक इस पर कोई भी कमेंट किया है? नहीं, अभी तक संगीत सोम ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किस वजह से ये झगड़ा हुआ है, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारा उनसे संपर्क होगा हम वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जमीनी हकीकत की अगर बात करूं, जहां पर ये मारपीट हुई है वहां पर जो लोग आसपास होंगे आई विटनेसेस, उनका क्या कुछ कहना है, आपने बातचीत करने की कोशिश की? जी, उन लोगों का कहना यही है कि वहां पर जो पीठासीन अधिकारी है उनके साथ में भी सलावे में बदतमीजी है, उनके साथ में भी मारपीट हुई है, लेकिन वो भी अभी अधिकृत नहीं है, ये वायरल जो हो रही है वीडियो उसी से हम अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें क्या है, लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने
कहना यही था कि जब दलित समाज के लोग वहां पर वोटिंग करने गए तो विधायक के लोगों ने उन्हें रोका, जब उन्होंने रोकने का विरोध किया तो उनके साथ में मारपीट की गई। ठीक है, इस खबर पर लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी अपडेट आता है आप लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा, दर्शकों तक ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे।